नहीं, ये मोदी जी की चाल नहीं थी। बर्फ 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 बर्फ। यहाँ पे ना गाड़ी स्लिप भी हो रही है और मुझे पहुंच गए अभी गाड़ी में वापस। और अब मूड खराब सा हो गया एक्चुअली। मूड फ्रेश करते हैं अपना, देन निकलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर। जाने का अलग मज़ा है, आने का अलग मज़ा है। दोनों में ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है दोनों टाइप साइड के रोड्स पर। जाते टाइप आपके व्यूज़ कुछ और होते हैं, आते टाइम व्यूज़ कुछ और होते हैं। और फिर से आ गए अपने बफलियास के छोटे भाई चाफलियास में। ब्रिज प्यारे ही होते हैं हमेशा। और अभी हम आ गए नीचे और ये है अपना जम्मू श्रीनगर हाईवे। अब यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है 109 किलोमीटर राइट या और वन। हाँ ये रास्ता बचपन से देख रहे हैं, बचपन से ही बोरिंग रास्ता था। ये स्ट्रेच ही बोरिंग है। गाड़ी यहाँ पे पहुंचती थी ना दिमाग खराब हो जाता था, गंदी सी मिट्टी। इसको पता है उसके पास ट्रक है, इतना बड़ा ट्रक है, हिलेगा नहीं इस साल। क्या गया खजूरिया कलाड़ी वाला। चनैनी टर्न पे ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा खुद पत्नी टॉप और राइट साइड भी चला जाएगा चनैनी। आपका वो पहाड़ है जहाँ पे हम गए थे और बर्फ थे वहाँ पर। स्माइल स्नो। और ये है सामने नत्था टॉप जो वाइट टॉप दिख रहा है। ये पहुँच गए चनैनी मार्केट, मेन बाजार चनैनी का। ये है अपना सुदमा देव वाला रोड और ये भी काफी फुल ऑन कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, है ना। मुझे लग रहा है ये फोर लेन करने वाले हैं बहुत जल्दी। नहीं फोर लेन तो नहीं होगा बट लगे वही है ना ब्रिजेस आ रहे हैं वहाँ से, सब पहले कंस्ट्रक्शन वहीं से हो रहा है। तो हम निकलेंगे राइट और ये आ गया ब्रिज। बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग स्टार्ट्स। ढिंग 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 वाह 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 वाह। ये मेरी छोटी बोलती है, जिसको कुछ अच्छा लगता ना वाह 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 वाह। अभी दिखेगी वो स्नो, जॉन स्नो, वो स्नो, ये स्नो, ये स्नो, तुम स्नो। रोड अच्छा ना ये, पूरे पहाड़ का कर दिया इन्होंने, पूरा पहाड़ काट दिया इन्होंने। हाँ पहाड़ के बीचों बीच रोड निकाला है। अभी आगे आ गया नहीं, ये आ गया सुदमा देव का चौक, पहुंच गया सुदमा देव। ये सुदमा देव मार्केट है, ये जा रहा है गली जा रही है राइट साइड पे और ये नीचे गया। ये राजा दक्ष था ना उनका, जो वो राजा दक्ष यहीं का और उनकी शिव जी की और शक्ति की जो शादी है वो मातला में हुई है। झरना देखो झरना, वो ऐसे ही सामने
फ्रेश पानी होगा वैसे, कितनी पहाड़ों के बीच में एक्चुअल बर्फ का पिघल के आ रहा पानी। हाँ हाँ पानी पानी है यहाँ। सुलश से भरी जिंदगी सड़कों पर। और भाई कितना स्लश है और अभी अब मानतलाई से हमें फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा ना। अब ये पहुंच गया, अभी हम मानतलाई और हमें निकलना लेफ्ट के लिए, ये जा रहा है राइट के लिए, नीचे रास्ता हमने और अभी यहाँ से लाटी है 30 किलोमीटर और आई गेस 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और नहीं 30 किलोमीटर 1.5 घंटा क्यों यार, 1 घंटा लगा के चल रहे। बट हमारा प्लान ये नहीं है कि लाटी पहुँचना है, हमारा प्लान ये है कि अगर सनसेट से पहले जहाँ कोई अच्छी जगह मिल गई हमें, हम वहीं पर स्टे कर लेंगे। स्टे कर लेंगे यो। सो अगले वीकेंड फिर हम उधर जा रहे हैं। हाँ पक्का ना, 101% देखिए, निहारिए, प्रशंसा कीजिए और वो है शायद से मंदिर ऊपर ना। हाँ 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 बहुत प्यारा मंदिर है ये। मथा लग रहा है दूर से। हाँ सो अभी यहाँ पे रुके थे हम थोड़ा सा, ये एक्चुअली जगह काफ़ी अच्छी लगी थी, सोचा कि यहाँ पर यहीं पे आज रात का स्टे करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नीचे जाने का कोई ज़रिया है नहीं, गाड़ी जा नहीं पाएगी नीचे यहाँ से। बट ये बहुत अच्छी जगह थी एक्चुअली। सो बस अभी देखते हैं आगे कोई जगह मिलती है तो, कुछ ऐसी सी जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा स्पॉट था ये आज रात के स्टे के लिए। वो गाड़ी लगी हमारी आगे और अभी सनसेट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये मेरे को चांसल पास का याद करवा रहा है एक्चुअली, जो भी रिसेंट ट्रिप हुआ था हमारा हिमाचल का न्यू ईयर ट्रिप। मैं ये वाली बर्फ को देखना खुश हो रहा है। ये देखो बर्फ 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 और कहीं कुछ मिला नहीं है हमें यार। अभी इसी में खुशी खुश हो रहा है। सुबह से पहली बारी बर्फ दिखी है तो खुशी ना उभर उभर के बाहर आ रही है। उभर उभर के क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। So, अभी तो ये जो पैचेस हैं ये काफी दूर दिख रहे होंगे आपको, बट आई एम श्योर कि कल मॉर्निंग में ये काफ़ी पास बन गए हमारे, बट हम इनके पास रहेंगे। एक्चुअल में अभी बर्फ स्टार्ट हुई है और मेरे को लग रहा है अभी ख़त्म भी हो जाएगी। खत्म भी हो गई ये धोखा है हमारे साथ। मैं भी यही बोलने वाला था, मैं अब खत्म हो गई ये बहुत बुरा वाला धोखा हुआ हमारे साथ। अन्याय हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा ये सब धूप का खेला है। खेला हो बे यार। नहीं इसमें मोदी जी की चाल है मुझे लगता है। इसमें मोदी जी की चाल है, इसमें बर्फ नहीं आ रही है। सही है, कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा इस बार। ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं ये मोदी जी की चाल नहीं थी, मोदी जी मजे ले रहे थे हमसे पहले। और यहाँ पे ना गाड़ी स्लिप भी हो रही है और मुझे
फाइनली एक जगह मिल गई है अभी, तो वहीं पे गाड़ी लगाई और सोच रहे हैं यहीं पे स्ट्रे करने का। तो दिखाता हूँ अभी आपको, अभी एक्चुअली नीचे गया था थोड़ा पानी वानी का देख के, देखने के लिए। सो नीचे चश्मा है एक, तो उसमें से पानी आ रहा है, पाइप से पानी निकाल रहे हैं यहाँ पर, और वाटर स्ट्रीम भी है यहाँ पर, ऊपर वाटरफॉल है। सो एक अच्छा स्पॉट मिल गया रात काटने के लिए, सो मैं दिखाता हूँ आपको। सो वो गाड़ी दिख रही होगी आपको सामने, दुकान के सामने। सो ये है अपना स्पॉट, और ऐसा है कुछ। सो प्लान में एक सडन चेंज हो गया फिर से, और चेंज ये था कि सुधीर ने बैकआउट कर दिया प्लान से, और अभी हम होटल में आए एक्चुअली रहने के लिए। और ये सब क्रेडिट कहाँ किसको जाता भाई? यार सुधीर को। I'll tell you the truth guys, क्या हुआ है। तो प्लान ये था कि हम गाड़ी कहीं पे पार्क करेंगे, डेफिनेटली अच्छी सी जगह पे जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, और खाना हम खुद प्रिपेयर करने वाले थे। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई कि हमें लकड़ी नहीं मिली कहीं पे भी, बिकॉज ये सब बहाने हैं नहीं रहने के। बट है कि मौसम काफ़ी ठंडा है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अभी का टेम्परेचर शायद से 1 degree या 2 degree होगा, एक हाँ। सो काफ़ी ठंडा है, बट ये था कि गाड़ी में अपना मज़ा था, अब होटल में आए तो थोड़ा एक अलग फील से रह रहे हैं। सो अभी चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, और रॉयल्टी का सो जाएंगे। अब कुछ और तो है नहीं करने के लिए, जो प्लान था एक्चुअली हमारा बनाने का, खाने का, खुद खाने का जंगल में। कल हम बर्फ दिखाएंगे सबको, बर्फ। सो अभी खाना खाएंगे और सो जाएंगे, काफी थकावट हो गया तो नींद जल्दी आएगी। बट हाँ, जैसा सुधीर बोल रहा है, कल सबको बर्फ दिखाएंगे, बर्फ। कल हम सबको बहुत ज्यादा वाली बर्फ दिखाएंगे, ज्यादा वाली बर्फ। सो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, नेक्स्ट डे, अगले दिन, नई सुबह, नई बर्फ के साथ, नई सुबह, नए दिन, और नई बर्फ के साथ, नई बर्फ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।